हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का टॉपिक है एनवेलप। एनवेलप यानी कि मैं उस वाले एनवेलप की बात कर रही हूँ जो हम लोग अक्सर चिट्ठी और संदेश देने के लिए भेजते थे, बट इसके अलावा भी एक होता है इनवेलप, राइट? तो चलिए जानते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला जो एनवेलप होता है, एनवोलप, राइट, ये जो यूज होता है ये एक तरीके का नाउन है, यानी कि एनवलप जिसके अंदर हम लोग चिट्ठी डाल करके भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसके अंदर, तो वो होता है आपका एनवलप। ठीक है, इसका प्रोनंसिएशन भी ध्यान से बोलिएगा। नेक्स्ट होता है आपका इनवलप। इनवलप यानी कि कोई चीज़ जिसको आप कवर करते हैं किसी चीज़ से। जब भी कोई चीज़ कवर करती है ना, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला कि कोरोना वायरस इज एनवलप टू आवर कंट्री वेरी इन वेरी फास्ट मोड, तो यहाँ क्या है कि जो कोरोना वायरस है वो बहुत तेज़ से हमारी पूरी कंट्री को कवर करने की कोशिश कर रहा है, बहुत, राइट? या फिर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि आई डिसाइडेड टू एनवलप माई टेरिबियर विथ द ब्लैंकेट या विद द कवर, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने टेडी बियर को एक कवर से या फिर ब्लैंकेट से मैं उसे कवर करूँ, राइट? तो यहाँ पे क्या है, मैं कवर करने की बात कर रही हूँ, ना कि मैं वो चिट्ठी वाले एनवलप की बात कर रही हूँ। तो ये जो एनवलप है ये एक तरीके से वर्ब यानी कि क्रिया के तौर पर होता है, और वो जो एनवलप था, राइट, वो एक तरीके का नाउन है। क्लियर? होप सो अब से आपका ये जो डाउट है ये हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय एंड टेक केयर।